दोस्तों मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, तुम तो बस कर्म करते चलो, बस राम नाम जपते चलो, जिंदगी जिए रोज, हर पल राम का नाम जप लो, करने कराने वाला तो वो है। हनुमान जी की भक्ति करने पर अगर ऊंचाई जीवन में प्राप्त करने के बाद आपके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया, आप में झुकाव नहीं आया, विनम्रता नहीं आए, तो आपने कुछ नहीं पाया। दो कौड़ी का है आपका सम्मान। जय श्री राम। श्री हनुमान जी एक चिरंजीवी है और तंत्र में उन्हें तीव्र मूर्ति माना जाता है, मतलब कि वो अपने भक्तों की मदद के लिए तुरंत आते हैं। हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्म का उत्सव है। हनुमान जी हिंदू धर्म के महान देवता है जो अपनी भक्ति शक्ति और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्मदिन बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। जन्मोत्सव का अर्थ है जन्मदिन का उत्सव, यानी किसी व्यक्ति के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाने का दिन। हनुमान जी एक चिरंजीवी है इसलिए उनका जन्मोत्सव उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी अमरता को सम्मानित किया जाता है। उनका जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है ताकि उनकी अमरता का स्मरण किया जा सके। हनुमान जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है? हनुमान जन्मोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हनुमान चालीसा का पाठ है। ये 40 लोगों का पाठ हनुमान जी के गुणों और उनकी प्रभु राम के प्रति भक्ति का गुणगान करता है। भक्तों का यह मानना है कि हनुमान चालीसा का करने से शक्ति, हिम्मत और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है। इस दिन कई भक्त व्रत भी रखते हैं। हनुमान चालीसा के अलावा भारत भर के कई मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को भगवान राम का जन्म, मंगलवार को भी सीता जी का जन्म, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म और मंगलवार को सीता राम जी का विवाह। मंगलवार को पूजा। हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रभु राम के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु राम ने हनुमान जी को सीता जी को ये खुशखबरी देने के लिए कहा। ये खबर सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को संदेश लाने के लिए आशीर्वाद दिया और उन्होंने इस शुभ दिन को मंगलवार घोषित किया और इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाएगी उसका आशीर्वाद दिया। हालांकि हनुमान जी कभी भी अपने लिए पूजा स्वीकार नहीं करते बल्कि इसे प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं। ये घटना मुगल सम्राट अकबर के राज की है। एक सुबह एक महिला पूजा से लौट रही थी और उसने तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया और तुलसीदास जी ने उसे बड़ी खुशी से आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसने आशीर्वाद पाया वो जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरे पति अभी हाल ही में गुजर गए हैं और आप प्रभु श्री राम जी के महान भक्त हैं, कृपया उन्हें जीवित कर दे। तुलसीदास जी ये सब जानकर जरा भी परेशान नहीं हुए और उन्हें अपने आशीर्वाद पर पूरा विश्वास था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि प्रभु श्री राम बुराइयों का नाश करेंगे और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से उस महिला समेत प्रभु श्री राम का नाम जपने को कहा। सबने वही किया और राम नाम का जवाब सुनते ही वो व्यक्ति वापस जिंदा हो गया। जब सम्राट अकबर ने इस बारे में सुना तो उन्होंने तुलसीदास जी को अपने महल में बुलाया और सबके सामने कुछ चमत्कार करने के लिए कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने बिना किसी डर के अकबर से कहा कि वो कोई चमत्कारी संत नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम के भक्त है। अकबर यह सुनकर गुस्सा हो गया और उसने तुरंत सिपाहियों को तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों में बांधने का आदेश दे दिया। तुलसीदास जी बिना किसी जवाब दिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए जेल चले गए। उन्होंने जेल में भी अपना विश्वास बनाए रखा और वहां हनुमान चालीसा की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। अकबर के महल पर एक ही वक्त में हजारों बंदरों का हमला हुआ। सभी लोग इस अचानक हुए हमले से हैरान हो गए। अकबर एक समझदार राजा था, उसे काफी जल्दी इसका कारण पता चल गया और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। इसी पल उसने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और सम्मान के साथ भेज दिया। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फायदे हैं।
हनुमान चालीसा उच्चारण से व्यक्ति में शक्ति, हिम्मत और भक्ति की वृद्धि होती है। व्यक्ति बुराइयों और नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रहता है। मन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति चिंता और स्ट्रेस से मुक्त रहता है। संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी संकटों का नाश होता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है और व्यक्ति का काम सफल होता है। हनुमान चालीसा व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और रोगों से मुक्त करती है। व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति सही फैसले ले सकता है। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार। ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि हमें बुद्धि और विवेक प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। इस चौपाई के साथ जुड़ी है एक कहानी। एक बार जब हनुमान जी लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तो उनका सामना सुरसा से हुआ, जो एक समुद्री राक्षस थी। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि वो उनके मुंह में प्रवेश करे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई दिखाई और अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, जिससे सुरसा का उनको निकलना असंभव हो गया। उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी ने अपनी यात्रा जारी रखी। ये कहानी हनुमान जी की बुद्धि और तेज दिमाग की मिसाल है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो हनुमान जी का स्मरण करने से हमें बुद्धि और हिम्मत मिलती है, ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार कर सके। बजरंग बाण। बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक ट्रेंड है। इंटरनेट पर इसकी बहुत वीडियो मौजूद है। दूसरी बात, जब तुलसीदास जी ने स्वयं बजरंग बाण लिखा था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा जब कुछ लोग उनकी बात को नकार देंगे और लोग बजरंग बाण पढ़ने से रोकेंगे। ज्यादातर देखा जाए तो बजरंग बाण पढ़ने के कई फायदे हैं। बजरंग बाण शुरू होता है इस दोहे से। निश्चय प्रेम प्रतीतीते बिने करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो भी बजरंग बाण को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ पढ़ता है, उनका सब काम हनुमान जी के आशीर्वाद से सफल हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है पूरा विश्वास और प्रेम। बजरंग बाण खत्म होता है इस दोहे से। उर प्रतीति दृढ़ सरन हवे, पाठ करे धरी ध्यान, बाधा सब हर करे सब काम सफल हनुमान। जो लोग हनुमान जी का पवित्र नाम विश्वास, भक्ति और प्रेम के साथ जपते हैं और हमेशा अपने दिल में उन्हें याद रखते हैं, उनकी सारी इच्छाएं हनुमान जी द्वारा पूरी हो जाती है। जो लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी उनकी जिंदगी भर रक्षा करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि बजरंग बाण को नियमित रूप से पढ़ने से पहले उसका मतलब पूरी तरह समझना कितना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि अगर बजरंग बाण कुछ गलत होता या उसका कोई नेगेटिव प्रभाव होता, तो क्या तुलसीदास जी सच में उसे लिखते? और क्या एक सच्चा राम भक्त किसी को गलत सलाह दे सकता है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने हनुमान जन्मोत्सव के बारे में सीखा होगा। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इस खास दिन को कैसे मनाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। धन्यवाद।